हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब कितना रुपया बॉन्ड में हम लोग को मिलने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। अ बॉन्ड ऑफ 1000, मतलब जो बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है और उसकी सेलिंग प्राइस 910 है, मतलब गवर्नमेंट 910 पे बेच रहा है, तो बाद में 3 साल के बाद उसका 1000 रुपये ही मिलने वाला है। और कूपन रेट मीन्स 8% इंटरेस्ट रेट दिया है, ओके। और मैच्योरिटी आफ्टर 3 ईयर्स, तो कितना परसेंट अपने को रिटर्न मिलेगा, वी हैव टू फाइंड यल टू मैच्योरिटी, है ना। तो बॉन्ड में तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला भी क्या है, सब स्टार्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमारे, मैं सबसे पहले अपना फेस वैल्यू 1000 है, इंटरेस्ट रेट 8%, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर, सेलिंग प्राइस 910। तो यल टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट लिखेंगे, इधर आई मतलब इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, फिर हम लोग क्या करेंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय, सबको डिवाइड करेंगे, किससे, एवरेज करेंगे, फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, फिर बाद में 100 वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये अपना फार्मूला हो गया किसका, यल टू मैच्योरिटी। तो कितना रिटर्न अपने को मिलेगा, तो आई रेफर्स टू इंटरेस्ट, तो फेस वैल्यू कितना है अपना, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू 1000 है ना, और कूपन रेट कितना दिया था, 8% दिया था, 8% मतलब 1000 पे 8% मिल रहा, मतलब 80 रुपये अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, 80 रुपये हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकालना है, किस पे निकालना, फेस। तो आई के जगह पे 80 लिखेंगे, फेस वैल्यू 1000 रहेगा, 100 रहेगा, 10 रहेगा, ये तो 1000 है, माइनस मार्केट वैल्यू, सेलिंग प्राइस दिया ना 910, फिर डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स दिया था क्वेश्चन में 3 ईयर्स, कितना दिया था, तो इधर 3 ईयर्स लिख दिया, इंटू 100 कंपलसरी, ये परसेंटेज निकाल रहे, बड़ी लाइन मारेंगे। अब इधर एवरेज लेना पड़ेगा किसका, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस का, 1000 प्लस 910 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते वक्त ना बच्चे लोग से मिस्टेक हो जाता है, तो 80 को साइड में रखो, पहले इसको सॉल्व करो, किसको, ब्रैकेट को। तो कैसे, 1000 में से 910 गया तो 90 बचेगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 100, ठीक है, 90 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, फिर बड़ी लाइन मार दिया मैंने, नीचे के पार्ट को एवरेज ले लेता हूँ, तो नीचे क्या है, इन लोगों को ऐड कर देता हूँ, 1910 डिवाइड बाय 2। अब इसको और अच्छे से एक स्टेप लेके सॉल्व कर देंगे, ऐसा 82 को भी हाथ नहीं लगाना, लास्ट में करना है। तो 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, तो ऊपर आ जाएगा 3000, फिर डैश मार दिया, फिर 1910 ओके डिवाइड बाय 2, तो अपने को एवरेज आइए दे रहा है 955। अब 3000 को क्या करेंगे हम लोग, 80 ऐड करेंगे, तो 3080 आएगा डिवाइड बाय 955, तो 3080 डिवाइड बाय 955, तो 1 मिनट, मिस्टेक क्या हो गया वाले में, 100 साइड में था, राइट, तो मैंने 100 को इंक्लूड कर दिया, तो उधर मिस्टेक हो गया, इधर से अपना मिस्टेक हो गया, राइट। क्या करना पड़ेगा, वापस से 80 को साइड में रखना है, 90 डिवाइड बाय 3, तो अपना 90 डिवाइड बाय 3 करेगा तो कितना आ जाएगा, 30, ओके। फिर इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा अपना, 955। 100 को लास्ट में कंसिडर करने का था, ठीक है, मैं पहले ले लिया, इसलिए आंसर कर रहा था। अब 80 और 30 को ऐड करेंगे, 1010 आएगा, ये 955 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 955 को डिवाइड किया, तो अपने को 11.52% आएगा, कितना आएगा, 11.2, ये अपना आएगा यल टू मैच्योरिटी।